की कोशिश करें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं शेयरिंग की वजह से। कोवलेंट बॉन्ड में कोई ट्रांसफर नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड में प्रॉपर शेयरिंग देखी जाती है। यहां पर आप इस चीज को देख भी सकते हो, ये दो एटम्स हैं, ये शेयर कर सकते हैं। इस चीज को हम बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं, छह इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। समझो यहां पर एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन, इसके दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, डबल बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन, इसके तीन एटम, ये कार्बन, इसके तीन एटम, इनके बीच में शेयरिंग हो रही है, ये यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सो यहां पर एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। 816 एनर्जी लग रही है कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को तोड़ने में ट्रिपल बॉन्ड को 930 लग रही है। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, जिसमें से सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा इजी है तोड़ना सल्फर सल्फर के बॉन्ड को, 214 एनर्जी लग रही है। सबसे ज्यादा तोड़ना मुश्किल है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना, 470 एनर्जी लग रही है। तो ये जो है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है कि तुम में कितनी तादाद है किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। कुछ लोग होते हैं ना, जिसके तरफ तुम खींचे चले जाते हो। वी डोंट नो व्हाट दे हैव, बट हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो हमारे पास कितनी ताकत है किसी को खींचने की, किसी को खींचने की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब कि उसके पास कितनी ताकत है किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर है ऑक्सीजन की, फिर है नाइट्रोजन की, फिर है कार्बन की, और हाइड्रोजन की सबसे कम है। सो ये क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की आदत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जितनी ज्यादा तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उतने ज्यादा जोर से और ज्यादा खींच पाओगे किसी भी एटम को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो पोलार कब होते हैं? इन्हीं कंडीशंस में। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। अब इन दोनों के बीच में बेशक कोवलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन इस कंडीशन में जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, वो ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ तुम्हें मिलेगा। ऑक्सीजन पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ मिल रहा है, तो इसको हम पोलार बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनिका और प्रसीना ने मिलकर एक कार खरीदी, लेकिन अनिका के पास वो कार सिर्फ 50 दिन रही एक साल में, और प्रसीना के पास वही कार 300 दिन रही एक साल में। तो प्रसीना ने अपनी तरफ वो कार खींच के रखी है, उसने अनिका ने उसको दी नहीं है, पर उसने खींच के अपने पास रखी है। तो ये पोलार कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, पर एक जो है वो अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रख रहा है। सो इस कंडीशन में यहां पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव इसलिए नहीं आएगा कि आपने कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं किया है ना। अगर आप कंप्लीटली ट्रांसफर करते हो, तो वो तो आयनिक बॉन्ड हो गया। यहां पर ये बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट पोलार बॉन्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी कहानी चलती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा स्ट्रक्चर्स को। इसको हम कोवलेंट पोलार बॉन्ड कहेंगे। जो नॉन पोलार बॉन्ड होता है, वो होता है बेसिकली उनके बीच में जो काफी सेम है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में नॉन पोलार कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो कोई एक तरफ अपने आप को इतना खींचेगा नहीं, तो वो नॉन पोलार हो गया। ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन इतने ज्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इक्वल शेयरिंग लगभग होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोने
नेगेटिविटी, यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही दिखा रखे हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तगड़ी है, तगड़ी है। ऑक्सीजन की उससे कम है, क्लोराइड क्लोरीन की उससे कम, नाइट्रोजन की उससे कम, सल्फर सी उसकी कम, कार्बन की उससे कम, हाइड्रोजन की उससे कम, फास्फोरस की उससे कम, सोडियम की उससे कम। तो सबसे तगड़ी फ्लोरीन की होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। अगर आप इक्वल शेयरिंग कर रहे हो तो आप नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, अगर आप अनइक्वल शेयरिंग कर रहे हो तो आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हो। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होगा तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, इसलिए दोनों के पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इक्वल है। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे ही आप डबल बॉन्ड देख सकते हैं, बन सकता है ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हैं, बन सकता है, बनने को तो ये सब भी बन सकता है। बॉन्ड लेंथ क्या क्या मतलब होता है? लेंथ मतलब कि आप यहां पर जो दो एटम्स है उनके बीच में जो बॉन्ड बना रहे हो उसकी लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ कितनी है। सो यहां पर न्यूक्लियस से लेकर इसके आउटर शेल तक की रेडियस और इसके न्यूक्लियस से लेके आउटर शेल तक की रेडियस, इन दोनों को मिला के, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस को मिला के हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जो बॉन्ड लेंथ है अगर वो सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है नजदीक होगी, क्योंकि सो इन दैट केस बहुत पास आएगा स्ट्रक्चर। सो बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस टू इट्स आउटर शेल, इट्स न्यूक्लियस टू इट्स आउटर शेल। जितना बड़ा एटम होगा उतना लॉन्गर बॉन्ड होगा, जितना शॉर्टर एटम होगा उतना शॉर्ट बॉन्ड होगा। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अगर समझो यहाँ पर दो अंकल आ गए जिनके मोटे मोटे पेट हैं, वो एक दूसरे से ऐसे पेट मिला रहे हैं तो बहुत ऐसे बड़ा सा होगा। कोई ऐसे पतले पतले से लड़के आके पेट मिला रहे हैं तो बिल्कुल कम जगह में पेट मिल जाएगा। सो इट्स लाइक दैट ओनली, वही वाली बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं चल रहा है। इसी से ही आती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लाइक वही कि मैं तुम्हारा रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा बॉन्ड तोड़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ब्रेक योर बॉन्ड। उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। सिंपल सी बात है, जितना लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटी होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड जितना लंबा जा रहा है उतनी ही नजदीकियां कम है, जितनी नजदीकियां कम है स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे से। क्लियर है? तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए और वो सबसे ज्यादा नजदीक भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड को बहुत दूर होते हैं और तोड़ना भी इजी होता है। सारे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ देख सकते हो और लेंथ भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कोवलेंट बॉन्ड, सबसे वीकेस्ट होता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में वेंडरवॉल। कोवलेंट होता है, फिर आयोनिक होता है, फिर मेटालिक लगभग बराबर होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर डाइपोल डाइपोल होता है, फिर वेंडरवॉल होता है। आप यहाँ पे सबके बॉन्ड लेंथ देख सकते हो, सबके बॉन्ड एनर्जी भी देख सकते हो। सबसे ज्यादा कोवलेंट की होती है 400 के आसपास, आयोनिक और मेटालिक के 200 के आसपास, हाइड्रोजन की 23 के आसपास, डाइपोल की 5 और वेंडरवॉल की सिर्फ 4। सो आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हो, यू कैन चेक आउट हियर, आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हो। इसका देखिए क्या लग रहा है जवाब, देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लगेगा। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें दो बॉन्ड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड बनता है। किस रीजन की वजह से यहाँ पे बनता है? वी नो दैट वेरी वेल, रीजन होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, जो कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स के बीच में शेयरिंग की वजह से होती है, इसकी वजह से यहाँ पर रहता है।